अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी यूएसबी को कैसे बूटेबल बना सकते हैं और उससे कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, एक का नाम है अल्ट्रा आईएसओ यानी जिससे हम अपनी विंडो का बूट इमेज बना सके, और दूसरे का नाम है रिफ्यूज़ यानी कि जिससे हम अपने उसी इमेज को यूएसबी ड्राइव पर इंस्टॉल कर सकें और उसी यूएसबी ड्राइव से अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकें। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले से एक इमेज बनाया हुआ है विंडो का, मैं आपको सिर्फ तरीके कर समझाऊँगा और दूसरे पर मैं आपको यूएसबी बूट करके दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में आते हैं, टूल्स में, और यहाँ पर लिखा होता है मेक सीडी डीवीडी इमेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए जी ड्राइव जहाँ पर हमारी सीडी पड़ी होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमने उसको सेव करने हैं हम उसको सेव कर देंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड आईएसओ पर चिक लगा होगा, अगर किसी और पर लगे तो आपने स्टैंडर्ड आईएसओ पर करना है और मेक का बटन दबा देना है। तो ये आपका सीडी का एक इमेज बनाएगा, आपने उस इमेज को सेव करना है। उसके बाद आपने यूएसबी लगानी है अपने सिस्टम में। देखिए मैं यूएसबी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये यूएसबी मेरी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी ये देखिए यहाँ पर खाली यूएसबी लगी है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है रिफ्यूज़, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, अगर आपको चाहिए हो तो आप सिंपली गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए हमारी यूएसबी आ गई 7.45 GB यानी कि 8 GB की यूएसबी है, ये उसका नाम है। बाकी कोई सेटिंग हमने नहीं छेड़ना। यहाँ पर जो सीडी ड्राइव का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करना है आपने, और जहाँ पर आपने वो इमेज सेव किए हैं जो आपने सीडी से बनाए हैं उन पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इतने सारे विंडोज़ के सेव किए, तो मैं किसी एक को सिलेक्ट कर देता हूँ, विंडोज 7 प्रोफेशनल ओपन क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। यहाँ पर आपने ओके कर देना है और इसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है। ये देखिए प्रोसेस शुरू हो गया, अब यूएसबी बन रही है। यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ कंप्यूटर और मोबाइल से मुतालिक। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कैसे करना है। आपने अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र खोलना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने YouTube खोलना है, आपके पास YouTube पहले से ही खुला होगा क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको सिर्फ तरीका समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कर देना है, अब्दुल बासित GSM। रिकॉर्डिंग की वजह से कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका सर्च कंप्लीट हो जाएगा ये देखिए सबसे टॉप पर मेरा चैनल आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं इसको अनसब कर देता हूँ।
ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ। ये सब्सक्राइब का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपके कोई चार्जेस नहीं होगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो घंटी का निशान देख रहे हैं आप, इस पर आपने क्लिक कर देना है और सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन को चेक लगाने और सेव कर देना है। इससे होगा ये कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो किसी भी टाइम अपलोड करता हूँ, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप वीडियो से बाखबर रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। Dai, la vado a riparare, ti prego.
तो देखा फ्रेंड्स, प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। यूएसबी हमारी बूट हो चुकी है। अब यूएसबी हमारी रेडी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए किसी भी सिस्टम में। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे ही आप अपना प्रोसेस शुरू करें तो उससे पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर किसी भी किस्म का एंटीवायरस इंस्टॉल हो तो आप उसको डिसेबल कर दें, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी विंडो का निशान आ गया यूएसबी पर, और इसमें भी सेटअप आ चुकी है। अब जिस भी सिस्टम में आपने इसको इंस्टॉल करना हो, पहले सिस्टम को शट डाउन करें, उसके बाद सिस्टम को ऑन करने से पहले यूएसबी लगाएं, और यूएसबी लगाने के बाद आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।